हेलो स्टूडेंट, साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो पार्ट फोर में बायोलॉजी चैप्टर चल रहा था जीव प्रकरण के बारे में इससे पहले वीडियो पार्ट फोर में बता दिया गया था, और आज जो हमारा पार्ट फाइव है उसमें हम पढ़ेंगे कि जीव प्रकरण से रिलेटेड जो हमारा मानव में पोषण है, मानव में पोषण है उसको पढ़ना है हमें। तो मानव में पोषण जो है ये न्यूट्रिशन इन वुमेन, यानी कि मनुष्य के अंदर जो पोषण तंत्र है वो किस प्रकार फैला हुआ है, इसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। तो ये टॉपिक है बच्चों, ये मनुष्य में आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरीके से बोर्ड में पूछा जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाने वाला है, नोट कर लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मानव में पोषण, पोषण की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जीव जंतु जो है भोजन ग्रहण करते हैं, और इस भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और इस ऊर्जा को हम भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए इसके बाद आता है बच्चों हमारा पाचन। इसके बाद क्या है हमारा पाचन, पाचन तंत्र डिजेस्टिव सिस्टम है ये, इस प्रकार फैला हुआ है। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो पाचन की डेफिनेशन है वो आप किस तरीके से बनाओगे, क्या लिखोगे। तो पाचन के अंदर क्या होगा बच्चों, जो हमारा जो जल में अघुलनशील पदार्थ होते हैं या घुलनशील पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करना, या जो पदार्थ ठोस होते हैं या तरल होते हैं उनको रक्त में घोलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एक तरीके से पाचन कहलाएगी। और रक्त में घुलने के बाद बच्चों सारा का सारा जो भोजन है, ये सारा का सारा फूड है हमारा, ये कहाँ जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। इस सारी की सारी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, और इसके लिए हमारे शरीर के अंदर एक लंबी आहार नाल फैली हुई होती है, जिसको मनुष्य की आहार नाल कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम के आधार पर इसका अध्ययन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हमारे पास एक मनुष्य बॉडी स्ट्रक्चर है, ये क्या है पूरा का पूरा का है, और इसकी जो संरचना है वो इस तरीके से होती है, और ठीक इसके ऊपर जो है नाक का डिपार्टमेंट होता है, आप महसूस भी कर सकते हो। तो जो इसके ऊपर का जो भाग है ये क्या है, घाटी ढापन है, घाटी ढापन जो गले के अंदर लटका हुआ होता है घाटी, उसको घाटी ढापन बोलते हैं। और इस घाटी ढापन के जो ठीक पीछे का जो भाग होता है इसको ग्रसनी कहते हैं, इंग्लिश में फारिनेक्स बोलते हैं इसको, ये क्या है ग्रसनी है। और ग्रसनी के जो अगले वाला भाग है ये लगभग 23 से 27 सेमी लंबी क्या है द्रास नली है, द्रास नली हो नली होती है, एक रास नली कहाँ होती है, हमारे पक्ष भाग से होकर, ये हमारा इतना पक्ष भाग होता है, इस पक्ष भाग से होकर ये आमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है, ये आमाशय के अंदर। और हमारा इस साइड में सबसे बड़ी आहार ना जो आहार ग्रंथि है यकृत होती है, शरीर की सबसे बड़ी आहार नाल ग्रंथि है, एस्टो ग्रंथि भी कह सकते हो आप, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, उसमें इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, लीवर
लीवर है और ये जो हमारा आमाशय है इसके ठीक जो पीछे का भाग होता है वो होता है हमारा छोटी आंख और इसके ऊपर बड़ी आंख फैली हुई होती है इस तरीके से। ये पूरी की पूरी इस तरीके से फैली हुई होती है और जो हमारी छोटी आंत है वो अंदर लगभग 7 से 8 मीटर या कुछ में लगभग 6 मीटर तक ये होती है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसके बाद इसका वर्णन करते हैं। ये गुदा भाग है। चलिए सबसे पहले बात आती है जो हमारा मुंह है, यानी कि मुख एवं मुख कुहिका को बोलते हैं हम, मुख एवं मुख कुहिका, माउथ एंड बिकल कैविटी। बच्चे जो हमारा आहारनाल का सबसे पहला भाग होता है, सबसे पहला पार्ट होता है, वो होता है हमारा मुख और मुख कुहिका। मुख कुहिका एक बड़ा गड्ढा होता है, एक बड़ा भाग होता है, उसके अंदर नमी सदैव बनी रहती है और जो नमी है ये लाल ग्रंथियों के कारण होती है, लाल ग्रंथियों के कारण, लाल ग्रंथियों के कारण ये नमी सदैव बनी रहती है। और ये जो लाल ग्रंथियां हैं ये मुंह के अंदर का जो पार्ट है उन्हीं के अंदर से एक तरह का द्रव स्त्रावित होता रहता है, उसी को बोलते हैं लाल। और ये लाल के अंदर भी एक एंजाइम स्त्रावित होता है जिसको बोलते हैं टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। बच्चों भोजन का जो पाचन है वो एक तरीके से हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है और जब हम मुंह के अंदर दांतों से भोजन को चबाते हैं तो ये दांत भोजन को टाइलिन एंजाइम में घोल देते हैं और लुगदी बना देते हैं और भोजन पिसकर लुगदी के समान हो जाता है। ये जो दांत है हमारे दांत कितने प्रकार के होंगे, मुंह के अंदर जो दांत होंगे वो कितने होंगे, परतनाक, रजनाक, अगर चरणक और चरणक। चार प्रकार के हमारे मुख के अंदर दांत होते हैं और इनका एक सूत्र भी होता है ICBM और M। इसी तरीके से ICBM और M कुल मिला के 223 और ऐसे किसे 21 और 23, यानी कि 2, 3, 5, 8 और ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में 2, 3, 5, 8 यानी कि कुल मिलाकर इतने जबड़े हो जाएंगे 2 और 16 19 32, इस तरीके से 32 दांतों की संख्या मुख के अंदर होती है और ये भोजन को चीर के चीर फाड़ कर आप भेजते हैं ग्रसनी से होते हुए ग्रसनी के अंदर ये भोजन पहुंचता है। इससे पहले ग्रसनी की बात करते हैं, ये ग्रसनी बच्चों पीछे का जो भाग होता है घाटी ढापन जो हमारी श्वासनाल है, श्वासनाल का वर्णन हम बाद में करेंगे। श्वासनाल का जो पीछे वाला भाग होता है घाटी ढापन गले के अंदर जो लटका हुआ है इसके अंदर वाला जो भाग होता है और उसके पीछे का जो ठीक पीछे का जो भाग होता है यानी कि जो हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है साउंड को जो कंट्रोल करता है वो है ग्रसनी। तो ग्रसनी बोलने में भी सहायता प्रदान करता है। अभी जो ग्रसनी है फारिनेक्स, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये जो फारिनेक्स है ये श्वासनाल और ग्रासनाल, ग्रासनाल मतलब इसोफिगस, इन दोनों को जोड़े रखता है। ग्रासनाल और ग्रसनी क्या करता है, श्वासनाल को और ग्रासनली को जोड़े रखता है यहाँ पर।
बच्चों इसके बाद बात आती है मुंह के अंदर जो जीभ होती है, जीभ क्या काम करती है? जीभ हमें बोलने में सहायता करती है और दूसरा भोजन का जो स्वाद है उसको जमने में हमारी मदद करती है। जीभ का जो अगले वाला भाग होता है ये वाला भाग ये हमें मीठे का ज्ञान कराता है। ऐसे ही जो सबसे पीछे का जो भाग होता है वो गड़वे का ज्ञान कराता है ना। ऐसे ही ये जो ये बीच वाला भाग है ये नमकीन और इस साइड का खट्टा। इस तरीके से बच्चों हमारे जीभ के द्वारा भोजन के टेस्ट का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस भाग द्वारा ठीक है भोजन का जो स्वाद है वो पता चलता है। तो इसमें देख लीजिए सबसे पीछे कड़वा है, दोनों साइडों में खट्टा और जो बीच वाला भाग होगा जीभ का वो नमकीन टेस्ट बताएगा। और ऐसे ही सबसे पहले वाला जो छोर होगा पहले वाला भाग होगा वो मीठे का ज्ञान हमें कराता है। ऐसे ही यहाँ बात करते हैं जो ग्रास नाल है हमारी उसकी। तो बच्चों जो ग्रास नाल है वो लगभग 23 से 27 सेमी और अधिकांश 25 सेमी लंबी होती है। कितनी लंबी होती है ये भोजन वाली नली? यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 सेमी लंबी ये होती है। इसकी लंबाई 23 या 27 भी हो सकती है, अधिकतम 27 सेमी भी हो सकती है और कम से कम 23 सेमी भी ये हो सकती है। बच्चों इसके अंदर जो ये जो नाल है इनके अंदर कोई भी हड्डी यानी कि कोई भी उपास्थि या अस्थि नहीं होती, ये संकुचनशील होती है। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए ये कोमल त्वचाओं की बनी हुई नली होती है, ठीक है ना। जैसे आप समझ लीजिए कि ककड़ी है और गुब्बारा है लंबा, उसके समान होती है ये। क्योंकि इसका एक कारण होता है बाई चांस अगर हम अपेक्षा से ज्यादा मुंह के अंदर बड़ा रोटी का टुकड़ा ले लेते हैं तो वो इसके अंदर फंसता नहीं है और बल्कि फिसल कर नीचे परमा कुंचन गति द्वारा गिर जाता है। उस गति को क्या बोलते हैं हम? परमा कुंचन गति। परमा कुंचन गति के द्वारा नाल के अंदर से भोजन फिसल कर आमाशय के अंदर आ जाता है। ये हमारा आमाशय, इसको आप सामान्यतः पेट के नाम से भी जानते हो। क्या है हमारा आमाशय है स्टोमाच, इसको आप पेट भी बोलते हो स्टोमाच, ठीक है ना। इसके बाद जो आमाशय के जो ठीक ऊपर का भाग है यहाँ डायफार्म होता है, डायफार्म जिस पे फेफड़े उपस्थित होते हैं। यहाँ इतना भाग होता है हमारा वो बोलते हैं बक्स, बक्स बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर का जो नीचे ऊपर का जो भाग है इसको बक्स बोलेंगे और जो इसके ठीक नीचे का जो भाग है इसको उधर गुहा कहते हैं, इसको बोलते हैं उधर गुहा। बक्स से होता हुआ ग्रास नाल कहाँ खुलता है? आमाशय के अंदर खुलता है। आमाशय की बात करते हैं, जो आमाशय है आमाशय के दोनों ओर बच्चों बाल लगे होते हैं। ये बाल आपके बाल है ये क्या करेंगे इस तरीके से आप देखिए यहाँ जूम करके देखते हैं थोड़ा सा इस तरीके से ये होगा आपका। ये जो बाल है ये भोजन को बाहर जाने से रोकते हैं, यानी कि अगर आप उल्टे लटकते हो तो आपका जो भोजन पेट में है वो बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये बाल भोजन को ऊपर आने से रोकता है। जो बाल लगा हुआ है एक तरीके से बाल ये भोजन को ऊपर आने से रोकता है, ठीक है। अगर आप उल्टे भी लटक जाते हो तो भोजन आपका मुंह से नहीं आएगा। बल्कि जो उल्टी है कब होगा ऐसा? जब इसके अंदर एससीएल बढ़ जाएगा, जो दीवार है आमाशय की इसके अंदर एससीएल बढ़ जाएगा, एससीएल और इस तरीके से इसके अंदर क्या होगा यहाँ अधिक दाब बनेगा और ये बाल खुल जाएगा और खुलने के बाद ही यहाँ से बाहर मटेरियल आ जाएगा जो फिस्ट पदार्थ होगा, यानी कि एससीएल बढ़ने के कारण ही ये लगती है। इसको आप सामान्यतः तेजाब भी बोलते हो, पेट के अंदर तेजाब का बढ़ना, ठीक है। अब
चलिए बात करते हैं अमाशय की ओर। अमाशय के अंदर लगभग 3.5 करोड़ अमाशय के अंदर लगभग 3.5 करोड़ ठीक है जठर ग्रंथियां स्त्रावित होती है, इनके माध्यम से ठीक है बहुत सारे एंजाइम्स हार्मोन स्त्रावित होते रहते हैं। यहाँ पेप्सिन लाइपेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन है, वो भी बहुत सारे एंजाइम है बच्चों जो वहां से स्त्रावित होते हैं, जठर ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं। कई बार कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जठर ग्रंथियां हैं उनसे ठीक है जो एंजाइम है वे कहां से स्त्रावित होते हैं, तो कहां से स्त्रावित होंगे, वे जठर ग्रंथियों से स्त्रावित होंगे। और जो जठर ग्रंथियों के अलावा यहां एक लिक्विड निकलता है उसको आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हो। यहां पेट के अंदर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी स्त्रावित होता रहता है, ये भोजन को गलाने का कार्य करता है ठीक है, आसान है। ऐसे ही यहाँ अलग अलग खाद्य पदार्थों को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम हार्मोन्स स्त्रावित होते रहते हैं। और ये जो हमारा आमाशय है यहाँ भोजन लगभग 3 से 4 घंटे ठहरता है। कितने समय तक ठहरता है भोजन? 3 से 4 घंटे तक यहाँ रुकता है भोजन। इसके बाद जो हमारा आमाशय के भाग है, वैसे तो आमाशय के जो मुख्य भाग होते हैं बच्चों वे 3 होते हैं। कितने भाग है इसके? 3 भाग। कौन कौन से हैं? पार्डियक है ठीक है, पार्डियक है और ठीक है और पाइलोरी, एक और है सेसार, ये सेसार है उसको शेष भागों में जोड़ा गया। तो मेन है वो कितने हैं आपके? 3 भाग, लेकिन 4 क्यों है? क्योंकि इसको सेसार भाग में जोड़ दिया गया है तो इसलिए 4 भाग आते हैं। कार्डियक, कार्डियक बच्चों इसका पहले वाला भाग होता है ये वाला भाग कार्डियक, और जो बीच वाला भाग बड़ा भाग होता है वो पाइलोरिक होता है लास्ट वाला, और ऐसे ही जो भाग बच जाते हैं शेष उसको सेसार में रख दिया जाता है, आसान है। इसके बाद भोजन यहाँ 3 से 4 घंटे ठहरने के बाद छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है, छोटी आंत, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है। ये जो स्मॉल जो हमारी छोटी आंत है उसके अंदर भोजन कहां से आता है? पेट के अंदर से, लेके आमाशय के अंदर से भोजन इसके अंदर आएगा। यहाँ छोटी आंत का जो पहला शिरा है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन बहुत ज्यादा होता है। कई बार बच्चों क्वेश्चन आपस में आपने सोचा भी होगा कि जो आंत है आपकी जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा होनी क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है देखिए जरा, छोटी छोटी आंत के ऊपर छोटी छोटी जो रुधिर वाहिनियां हैं ये चिपकी रहती है, और ये रुधिर वाहिनियां क्या करती है इसके अंदर से जो मुख्य पोषक तत्व है उनको निकाल देती है और अपने अंदर घोल लेती है ठीक है। तो ये काम क्या होता है हाथ का, छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां अंदर चिपकी होगी और ये खाद्य पदार्थ के आवश्यक अंगों को अपने अंदर घोल लेंगी और निकाल लेंगी ठीक है। इसके बाद इसकी जो आंख की जो लंबाई है लगभग 6.5 और 8 मीटर के बीच में हो सकती है, जो उम्र के हिसाब से खतिया बढ़ सकती है ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बढ़िया बढ़िया ठीक है, बढ़िया लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है, बढ़िया बड़ी आंत के अंदर बच्चों जिन भोज्य पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत के अंदर नहीं होता है उनका अवशोषण बड़ी आंत के अंदर होता है ठीक है। बड़ी आंत के अंदर खासकर शेष अंगों का और ठीक है जो लास्ट वाला भाग है इसका उसका अवशोषण होता है और गुदामल द्वारा ये
बाहर निकाला जाता है, जो शेष भाग होता है, शेष भाग है के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ को या अपचय पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है हमारा मनुष्य में पोषण। बाकी इसका वर्णन आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा, तब तक आप इसको करिए, समझिए, ठीक है। धन्यवाद। ये हमारा टॉपिक जो है इसमें कंप्लीट हो गया।